नमस्कार, हम है धर्म। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। बिहार चुनाव 2020। पुष्पम प्रिया नाम की कितनी खूबसूरत नेता हैं, जिन्होंने आते ही धमाल मचा रखा है। खुद की ही पार्टी से खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि अगर बिहार की राजनीति और बिहार को मैं बदल कर ना रख दूं तो थूकूंगी तक नहीं। जी हाँ, बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया ने सभी को एकदम से सकते में डाल दिया है। बिहार को 10 साल में बदलने का वादा करने वाली और खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली फ्लोरर्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया से एक खास बातचीत के दौरान कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। खुद को बिहार का सीएम उम्मीदवार घोषित करके सभी को चौंकाने वाली पुष्पम प्रिया 10 साल से बिहार को बदलने की बात कहती हैं। उनका कहना है कि बिहार को यहां मौजूद सभी राजनेताओं से दूर ले जाना है। पुष्पम प्रिया ने कहा है, जो असली बिहारी है वे बिहार को चलाएं। यहां कभी भी कोई भी किसी के साथ हो लेता है, सब एक ही है। सभी को पता है कि अगर एक निश्चित मुख्यमंत्री बन गया तो ये भी कभी वापस न आ पाएंगे। बदहाली के लिए यहाँ की राजनीति को जिम्मेदार मानते हुए पुष्पम कहती हैं, यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, हर तरफ दिक्कतें हैं। संस्थागत ढांचा बहुत कमजोर है। मैं विदेश में रही हूँ, वहां का लोकतंत्र देखा है, ऐसा नहीं चलता जैसा कि यहाँ चलता है। यहाँ लोगों का महत्व नहीं है। सरकारी तंत्र ऐसे पेश आता है जैसे वे हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए काम करते हैं। ये तभी सुधरेगा जब सत्ता में बैठे महाधीश हटेंगे। लंदन में पढ़कर सीधे बिहार को बदलने के लिए मैदान में उतरी पुष्पम अपनी फ्लोरर्स पार्टी को बिहार का भविष्य मानती हैं। वे अपने साथ युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग को जोड़ रही हैं। उनकी पार्टी से ऐसे ज्यादा जुड़ रहे हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। पुष्पम प्रिया के परिवार का जेडीयू से जुड़ाव रहा है, लेकिन अलग पार्टी बनाकर राजनीति में कूदने पर वे कहती हैं कि हमें यहां राजनीति के लिए नहीं आना था। अगर राजनीति ही करनी होती तो 4-5 साल में ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने के बाद वही राजनीति करती। मुझे बिहार को बदलना है। वे कहती हैं कि परिवारवाद भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रही हूं, कोई पार्टी कैसे ज्वाइन कर लूं। राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर थक कर न रुकने की बात कहते हुए पुष्पम प्रिया कहती हैं, मुझे तब तक थकावट नहीं होगी जब तक वो चीजें न कर दूं जो कही हैं, जब तक बिहार को नंबर वन न बना दूं। बिहार की राजनीति में 3 युवा चेहरा तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और पुष्पम प्रिया के मैदान में होने पर कहती हैं कि कोई युवा नहीं है यहाँ पर। युवा वो होता है जो चीजों को अलग तरीके से देखे, जो क्रांतिकारी हो। बस कुर्ता पैजामा पहन के पिताजी की राजनीति करना, यह युवापन नहीं होता। क्या बिहार की राजनीति में फ्लोरस पार्टी दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी बनकर निकलेगी? क्या फ्लोरस को जनता का आपकी तरह साथ मिलेगा? इस पर पुष्पम का जवाब है कि दोनों पार्टियां एक जैसी नहीं है। फिलर्स को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं जो आम आदमी पार्टी को नहीं झेलनी पड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े आंदोलन से निकली थी, लेकिन हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। हमें जनसभा करने के लिए अनुमति में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पुष्पम प्रिया को हाल ही में राजभवन ज्ञापन देने जाते समय हिरासत में ले लिया गया था। इस तरह की बातें कह रही हैं पुष्पम प्रिया। और विदेश में पढ़ने के बाद अब बिहार की राजनीति, वहां के सारी चीजों को बदलने की जिम्मेदारी उठा रही हैं। आप सहमत हैं क्या इनकी बातों से? आपके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहें हमारे साथ दोस्तों। नमस्कार।